पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, जिसका सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। देश के हर हिस्से में सब्जी और फलों के दामों में लगातार तेजी दिख रही है। इसकी अहम वजह बारिश को बताया जा रहा है। बारिश की वजह से ज्यादातर सब्जियां सड़ रही हैं और बाढ़ की वजह से सब्जियों की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पा रही, जिससे मंडियों में सब्जियों की भारी कमी है और जो है भी तो उनके दाम आसमान पर हैं। पिछले एक दो दिनों में सब्जी के दामों में 30 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तो सब्जी पिछले दिनों 30 से 35 रुपए प्रति किलो मिलती थी, अब उनके दाम 50 से 60 रुपए किलो हो गए हैं। सब्जी के दाम की डबल छलांग से आम आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। अचानक सब्जी के दाम में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर जहां एक ओर ग्राहक परेशान है, वहीं सब्जी विक्रेता भी हैरान है। व्यापारियों की माने तो बारिश के चलते सब्जी के दामों में ये बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने के आखिर और इस महीने के शुरुआती दिनों में हुई बारिश का असर सब्जियों पर साफ दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से सब्जियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण हर कोई परेशान है। बारिश की वजह से सब्जियों के पौधे गिर गए हैं, जिस कारण उनमें फल नहीं लग रहा। बारिश के कारण 25 से 30 फीसदी सब्जियों की फसल खराब हो गई है, जिस कारण दामों में ये बढ़ोतरी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आशंका जाहिर करी है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। आए दिन बढ़ रही महंगाई से आम आदमी का जीना पहले से ही मुश्किल हो गया है। आजकल हर चीज महंगी हो गई है। पहले दालों के दाम आसमान छूने लगे थे, लेकिन अब सब्जियां भी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। सरकार को बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, लेकिन ये मार प्रकृति की है, जिस पर किसी की नहीं चलती। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z News।